विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि श्री राम भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से हर नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। विशेष तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी को यदि आप राशि अनुसार कुछ विशेष भोग अर्पित करें तो आपके सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हनुमान जी को बेसन का लड्डू का भोग लगाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट से वो अपने आप को बचा सकते हैं। कितना सरल उपाय है। बात करते हैं वृषभ राशि की। भाई, वृषभ राशि वाले हनुमान जी को बूंदी का लड्डू और तुलसी का भोग लगाएं, प्रेम पूर्वक उन्हें अर्पित करें। हर नेगेटिव एनर्जी से, हर नकारात्मक ऊर्जा से वो बचे रहेंगे। यदि उनके घर पर कोई नजर दोष है तो ये छोटा सा उपाय करने से वृषभ राशि वाले नजर दोष से मुक्त हो सकते हैं। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों को क्या करना है भाई, आपको थोड़ा सा तुलसी दल लेना है और नारियल की मिठाई लेनी है। पहुंच जाइए हनुमान मंदिर और लगाइए हनुमान जी को भोग। हर तरीके से वाहन दुर्घटना से बचाव होगा। आप बहुत जल्दी चोटिल हो जाते हैं, चोट लग जाती है, तो भाई आज ये उपाय करके देखिएगा, वाहन दुर्घटना से बचाव अवश्य होगा। बात करते हैं कर्क राशि की, जहां मंगल योग कारक माने जाते हैं और वर्तमान समय में कर्क राशि में ही मंगल नीच के चल रहे हैं। तो ऐसे में कर्क राशि वाले लोगों को बेसन की मिठाई या बेसन के हलवे का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से होगा क्या, देखिए वैसे तो हनुमान जी को आप कुछ भी अर्पित करेंगे वो मान जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपकी कोई योजना है, आपकी कोई प्लानिंग है, उसमें आप सक्सेस होना चाहते हैं, नौकरी में तरक्की चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो आज ये ज्योतिष गुरु का छोटा सा उपाय जरूर अपनाइए। सिंह राशि। सिंह राशि के सभी लोग इमरती या मालपुए का भोग हनुमान जी को अर्पित करें। भाई, आपकी जमीन जायदाद की जितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो, कोई फ्लैट बिक ना रहा हो, आपको दाम कम मिल रहे हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी आपकी डिस्प्यूट हो गई हो, ये छोटा सा उपाय हनुमान जी के निमित्त आप करिए, उनसे प्रार्थना करिए। जमीन जायदाद की समस्या तो खत्म होगी ही, पारिवारिक समस्याएं, तमाम जितनी भी बड़ी से बड़ी जो समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले देसी घी की जलेबी का भोग हनुमान जी को अर्पित करेंगे और छोटे बच्चों में ये बांट दीजिए। क्या होगा इसका प्रभाव, भाई अचानक आने वाली कोई भी दुर्घटना, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप पर आ नहीं पाएगी, आप पर हावी नहीं हो पाएगी और हर दुर्घटना से आपका बचाव होगा। अगली राशि तुला राशि है मित्रों। तुला राशि वाले थोड़ी सी मिश्री, धागे वाली मिश्री मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा, और थोड़ी सी तुलसी, बस मिश्री और तुलसी का भोग लगाइए। आपके दाम्पत्य जीवन के वाद विवाद खत्म होंगे, कष्ट खत्म होंगे और जो पति पत्नी के कलह कलेश चल रहे थे, बात तलाक तक पहुंच गई थी, आज हनुमान मंदिर जाकर तो देखिए आपके हर कार्य की जो है, हर तरीके से जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगी और हर कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जितने जो लोग हैं वो गुड़ और चने का भोग लगाकर बच्चों को बांट दें। वृश्चिक राशि की वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है, ये छोटा सा उपाय उनकी सेहत को अच्छा करेगा। उनकी कोई वाद विवाद बहुत समय से चल रहे थे, उसमें वो विजयी भी होंगे, क्योंकि देखिए वृश्चिक राशि पर वर्तमान समय में शनि की ढैया है, तो ऐसे समय में ये पीड़ा वाला समय होता है, तो हनुमान जी की ऐसे में कृपा मिल जाए तो हर कार्य सिद्ध हो सकता है। मित्रों, बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को क्या करना है, हनुमान जी को केले का फल अर्पित करना है, बच्चों को, बुजुर्गों को बांट दीजिए। ऐसा करने से धनु राशि वाले लोगों की पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। अगली राशि मकर राशि है मित्रों। मकर राशि के लोग बूंदी के लड्डू का भोग हनुमान जी को अर्पित करें, प्रेम पूर्वक अर्पित करें और छोटे बच्चों में बांट दें। आपकी सेहत की तमाम समस्याएं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, आप आराम महसूस करेंगे और आपके मन की इच्छा भी पूर्ण होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग हनुमान जी को बेसन की मिठाई अर्पित करें, मीठा पान अर्पित करें। ऐसा करने से कुंभ राशि वाले लोगों के भाई बहनों के आपसी वाद विवाद हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर जरूर होगा। मीन राशि जलीय राशि अंतिम राशि, यह भी साढ़े साथी से प्रभावित है, तो भाई मीन राशि वाले बेसन की बूंदी का भोग जो है हनुमान जी को लगाइए, छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में, जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए,
कुटुंब के कलह कलेश हमेशा के लिए खत्म होंगे, पिता पुत्र का वैर विरोध खत्म हो जाएगा, माता का और पुत्र का या फिर आपसी पति पत्नी के जो कलह कलेश थे वो हमेशा के लिए इस उपाय के बाद खत्म हो सकते हैं।